हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रीता शर्मा। मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू प्याज टमाटर बैंगन और शिमला मिर्च की मिक्स सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को मैंने बहुत ही कम मसालों में बनाया है और इस सब्जी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 5 मिनट में पक कर तैयार हो जाती है और यह झटपट बनने वाली सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस सब्जी को बनाएं और खाने के बाद आप इसका टेस्ट जब एक बार चख लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आप बार बार इस सब्जी को बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इस सब्जी को। इसके लिए मैं सूखा मसाला भी पहले से ही तैयार रख चुकी हूँ। अब मैंने कढ़ाई में भी तेल गर्म कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी और इन्हें थोड़ा भूनने के बाद इसमें जीरा भी मिक्स कर लूँगी और इन्हें मैं थोड़ा ब्राउन होने तक भून लूँगी। शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, प्याज और आलू की मिक्स सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इन सभी को मैंने भून लिया है। अब इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दें। इसके बाद हल्दी को भी मैंने इसी में मिला दिया है। सभी को थोड़ा भून लें और ब्राउन होने के बाद ही इसमें सब्जी को ऐड करें। इस तरह से बनी हुई सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को लाइक व शेयर ज़रूर करें। मसाला लगभग भून चुका है, अब इसमें मैं सब्जी को ऐड कर दूँगी। इस तरह से देसी सब्ज़ी बनानी कितनी आसान है और इसमें मसाले भी बहुत कम पड़ते हैं। अब इसमें मैं भुना हुआ जीरा भी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करें। बस इसमें सिर्फ इतने ही मसाले डालें और सब्ज़ी को धीमी आंच पर पकाएं और 2-3 मिनट बाद इसे चेक करते जाएं। इस तरह से सब्ज़ी को तब तक पकाएं जब तक सब्ज़ी अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। इस सब्ज़ी में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। बिना पानी से ही यह सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से मसाले को सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी देर सब्ज़ी को खुले में ही पकने दें, उसके बाद इसे फिर से चलाएं। अब सब्ज़ी को हम ढक कर पकाएंगे तभी आलू अच्छी तरह से पक पाएंगे और इसे 2-3 मिनट तक चला पकने दें। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन को फिर से हटाएं और सब्ज़ी को चेक करें। इस तरह से बीच बीच में इसे हमें धीरे धीरे चलाते जाना है और इसे फिर से ढक कर रख दें। सब्ज़ी को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसका मैंने ढक्कन फिर से हटा दिया है और इसे धीमी आंच पर ही पकाएं और धीरे धीरे ही इसे चलाएं। मेरे तो सब्ज़ी टूट जाती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से झटपट बनने वाली यह सब्ज़ी थोड़ी देर में खाने के लिए तैयार हो जाएगी और इसे हम फिर से ढक देंगे। सब्ज़ी पककर लगभग तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है और अब सब्ज़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और इसमें से तेल भी बाहर निकल चुका है। अब इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म खाने के लिए परोसें। इसे हम चपाती और पूरी के साथ खा सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट में पकने वाली है रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इस तरह से बनाई हुई सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए सब्ज़ी खाने के लिए मैंने प्लेट में डाल दी है, अब इसे हम चपाती के साथ सर्व करेंगे।